फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस एच फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा डिजाइन लाई हूँ, ये देखिए। और ये बनाने में बहुत ही इजी है, कोई भी बिगनर इसको ट्राई कर सकता है। और आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हो अपनी मर्जी के अनुसार, जहां भी आप इसको बनाना चाहते हो। चाहे तो लेडीज स्वेटर पर बनाइए, या जेंट्स स्वेटर पर बनाइए, या बेबी स्वेटर, ड्रेस, शॉल, मफलर, किसी पर भी आप इसको यूज कर सकते हो। सभी के लिए ये स्टिच है। यहाँ पर देखिए कितना प्रिटी ये लग रहा है। और इससे ज्यादा ये इजी बनाने में है। सिर्फ चार रो का ये डिजाइन है, और हर चार रो के बाद ये डिजाइन रिपीट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी और डिजाइन पसंद आएगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्यूटीफुल से डिजाइन को। डिजाइन को बनाने के लिए आपने 6 के मल्टीपल में स्टिच लगा लेने हैं, और प्लस उसमें 2 कर देना है। 6 से गुणा करके आपने फंदे डालने हैं, और जमा उसमें आपने 2 कर देना है। इतने स्टिच आपने नीटिंग नीडल में लगा लेने हैं। यहाँ पर मैंने टोटल 32 स्टिचेस लगाए हुए हैं, 32 फंदे मैंने यहाँ पर डाले। ये हमारी रो 1 है राइट साइड से। अब यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो भी बिगनर है, अब यहाँ पर देखिए, पहले हम 2 फंदे तो यहाँ पर उल्टे बनाएंगे। 2 फंदे हम यहाँ पर उल्टे बनाएंगे, राइट साइड है हमारी पहली रो। और धागा पीछे ले जाएंगे, और अब हम यहाँ पर 4 फंदे सीधे बनाएंगे। एक हो गया, 2, 3 और ये 4। इस तरह से हम करते जाएंगे, 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे और 2 फंदे उल्टे। इस पूरी रो में हम यही करते जाएंगे, 2 फंदे हम उल्टे बना रहे हैं और 4 फंदे हम सीधे बना रहे हैं। इसी तरह से आपने पूरी रो करनी है, और लास्ट के 2 फंदे भी आपने उल्टे बना लेने हैं। अब आ जाइए रो 2 में, रॉन्ग साइड से। रॉन्ग साइड से देखिए, इस तरह से ये डिजाइन दिखता है। अब रॉन्ग साइड में हमने क्या करना था, जो 2 फंदे हमने पहली रो में उल्टे बनाए थे वो हम यहाँ पर सीधे बनाएंगे, और जो 4 फंदे हमने पिछली रो में सीधे बनाए थे वो हम यहाँ पर उल्टे बनाएंगे। रो 2 और जितनी भी रो रॉन्ग साइड की रो आपकी पड़ेगी वो आपने ऐसे ही बनाने हैं। 2 फंदे हम यहाँ पर सीधे बनाएंगे और 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। इस तरह से हम पूरी रो में यही करते जाएंगे, 2 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे। और पूरी जितनी भी आपकी उल्टी तरफ से आप फंदे बनाओगे वहां पर आपने ऐसा ही करना है। 2 फंदे सीधे बनाने हैं और 4 फंदे उल्टे बनाने हैं। ये रो 3 में राइट साइड से। अब इस रो को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी रो में ये डिजाइन पड़ता है। अब ये देखिए, अब पहले शुरू के 2 फंदे तो हम यहाँ पर उल्टे ही बनाएंगे। यहाँ पर इस तरह से देखिए, 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, और उसके बाद हम धागा पीछे ले जाएंगे और धागे को हम यूं घुमाएंगे। यहाँ पर हम जाली डाल रहे हैं, धागे को यूं घुमाएंगे, और उसके बाद आगे वाले 2 फंदे हम पीछे की तरफ से सीधे बना लेंगे। इस तरह से ये फंदे हम सीधे बना लेंगे, और ये आगे वाले 2 फंदे हम इस तरह से देखिए, जो हमने 4 फंदे बीच में सीधे बनाए थे वो हमने 2 फंदे पीछे की तरफ से बुन लिए, सीधे 2 का 1 बनाया, और 2 फंदे हमने आगे की तरफ से यूं सीधे बना लेने हैं। इस तरह से 2 फंदे हमने आगे की तरफ से सीधे बना लिए, और धागा आपने आगे लाना है और इसको यूं घुमाना है। यहाँ पर फिर से हम जाली डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे 4 के 2 फंदे यहाँ रहे तो हमने यहाँ पर जाली डाल के 1 फंदा बढ़ा लिया, और बाद में 2 गुनने के बाद फिर से हमने यहाँ पर जाली डाल के फंदा बढ़ा लिया, तो 4 वापस से हमारे ये हो गए। अब हमने यहाँ पर फिर से 2 फंदे उल्टे बनाने हैं। अब धागा आपने फिर से पीछे ले जाना है, और फिर से हमने यहाँ पर जाली डालनी है इस तरह से, और 2 फंदे फिर से हमने यहाँ पर पीछे की तरफ से सीधे बना लेने हैं। इस पूरी रो में आपने यही करते जाना है। इस तरह से देखिए, 2 फंदे हम पीछे की तरफ से सीधे बना रहे हैं, और 2 फंदे हम आगे की तरफ से सीधे बना रहे हैं इकट्ठे, 2 का 1 फंदा हम यहाँ पर बना रहे हैं इस तरह से। फिर धागे को आपने फिर से घुमाना है और 2 फंदे उल्टे बना लेने हैं। यही आपने इस पूरी रो में करते जाना है, और लास्ट के 2 फंदे भी आपने उल्टे
बना लेने हैं। और आगे वाली पूरी फोर्थ रो आपने रो टू की तरह ही बनानी है, जैसे हमने रो टू बनाई थी वैसे ही आपने आगे वाली रो बनानी है, रो फोर। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर रो फोर तक कंप्लीट कर लिया है, और इस तरह से देखिए ये हमारा डिजाइन अब यहाँ पर आ गया है। बहुत ही प्यारा है डिजाइन है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा यहाँ पर देखिए, और कोई भी बिगनर इसको ट्राई कर सकता है। अब आपने रो वन से लेके रो फोर तक कंटिन्यू करना है, जितना भी आप डिजाइन डालना चाहते हो। ये चार रो का डिजाइन था, तो चलिए आप भी